वेल गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था, टेलीग्राम पर मैसेज डाला था कि SMC यानी कि इंटरनेट में स्टॉक मार्केट की दुनिया पर SMC जो शब्द है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इतना वायरल कर दिया है ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में। SMC, हर कोई SMC को लेकर वीडियो बना रहा है। तो मैंने सोचा इतना पॉपुलर अगर हो रहा है तो कुछ मैंने भी इस पर लर्निंग किया। अब जो मैं खुद समझाऊँ और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन नॉलेजेबल होने वाली है। और जो ये वायरल कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, इसको आप मिस मत करना। तो वीडियो बिल्कुल भी इसकी करके मत देखना, बैक टू बैक आप समझ जाओगे, इतनी आसान भाषा में समझ जाओगे कि कभी भी कोई भी आपको नींद में भी उठाकर पूछेगा नहीं कि SMC क्या है, तो आप उसको उत्तर आप दे दोगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि SMC का फुल फॉर्म क्या है। SMC का फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब इसका जो मतलब है वो इसी के नाम में छुपा हुआ है ना, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी क्या हो सकता है? स्मार्ट मनी यानी बिग मनी। जो बिग मनी है वही स्मार्ट मनी है। इंस्टीट्यूशन हो गया या कोई सा बड़ा प्लेयर हो गया, है ना, जिसके पास बिग मनी है। बिग मनी मतलब अरबों खरबों रुपया, है ना, करोड़ों रुपया है जिससे वो ट्रेडिंग करता है या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे स्मार्ट मनी अपनी ट्रेड पोजिशन बनाता है ना, उसके साथ साथ हम अपनी पोजिशन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ स्मार्ट मनी लग रहा है वहाँ अगर हम उसके साथ में पैसा लगाएंगे तो स्मार्ट मनी मतलब वो तो इतना मोटा पैसा लगा रहा है तो वो अपना लॉस करने का नहीं सोचेगा, ठीक है। अगर हम उसके साथ में एंट्री करेंगे तो अगर उसका लॉस नहीं होगा तो हमारा भी लॉस नहीं होगा। बट ये सेटअप काम करता है, हमेशा काम करता है ये श्योर नहीं है। कोई सा भी सेटअप मार्केट में हमेशा काम नहीं करता है, बट अगर इसमें आपका 60-80% भी एक्यूरेसी निकल के आती है, दैट इज गुड। अब इसमें जो समझने की चीज़ें, इसमें जो समझने की जो चीज़ें हैं वो चार चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, चार चीज़ें समझने की। देखिए सबसे पहले आपको समझना है BOS यानी कि बॉस का फुल फॉर्म जो आपका है वो है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बॉस का फुल फॉर्म है। आगे आगे हम समझेंगे कि ये क्या होता है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। पहले जो वर्ड मैंने जो लिख रखे ना उनका आप अर्थ समझ जाओ। बॉस एक रहता है स्मार्ट मनी में बॉस, जिसका आप फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा होगा, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा होता है चोच, CHOCH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मेरा कैरेक्टर कहाँ चेंज हुआ। तीसरा आपका होता है इसमें डिमांड जोन, और चौथा होता है आपका इसमें फेयर वैल्यू गैप यानी कि FVG, ठीक है। अब सबसे पहले बॉस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मार्केट चलता कैसे। देखिए मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं। एक मार्केट में होता है अप ट्रेंड, है ना, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ, है ना, ये आप नोट बना लेना, इनको लिख लेना, तो आपको थोड़ा सा लिख लोगे तो आपके पास अगर ये नोट डाउन रहेंगे तो थोड़ा सा इजीली आपको कभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप उसको खोल कर समझ जाओगे, या फिर वीडियो सेव कर लेना, वीडियो देख लेना आकर, तब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि देखिए मार्केट चलता कैसे है। मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं, मार्केट या तो एक अप ट्रेंड होता है मार्केट में, या एक डाउन ट्रेंड होता है, या फिर एक चलता है मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है। अब चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट है हमारा अप ट्रेंड पर, है ना, ये काम जो करेगा वो ट्रेंड पर ही काम करेगा, अप ट्रेंड में काम करेगा या फिर डाउन ट्रेंड में काम करेगा। तो आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है तो मार्केट सीधा ऐसे नहीं चलता है, आप समझ रहे हैं, मार्केट सीधा ऐसे नहीं चलेगा। ये सीधा अगर गिरता है मार्केट तो सीधा आपका ऐसे नहीं गिरेगा। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है, मार्केट ऐसे चलता है, हायर हाई बनाता है। अगर अप ट्रेंड में तो हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है, फिर अगेन हायर हाई बनाता है, फिर अगेन हायर लो बनाता है, फिर अगेन हायर हाई बनाता है, फिर अगेन हायर लो बनाता है। ऐसे मार्केट आपका बिहेवियर करता है, मतलब ऐसे मार्केट आपका अप ट्रेंड में चलता है। सेम कंडीशन होती है डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जब चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है, बट इसमें आपका मार्केट लोअर हाई बनाता है और लोअर लो बनाता है ना, इसमें मार्केट आपका लोअर हाई बनाता है और लोअर लो बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपका मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, देखिए मार्केट ने क्या किया, अब हमारे पास ये हो गया एक लो, ये हो गया हमारे पास हाई, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक हायर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पर एक और हाई बना दिया, मतलब ये हमारे पास हो गया हायर हाई। अब देखिए ये जो प्रीवियस हाई था, समझना, ये जो प्रीवियस हाई था इस
को अगर मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो ये पॉइंट है, मार्केट ने इस पॉइंट पर उसने ब्रेक किया है ना। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके बता दूं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, है ना, आपको क्या करना है, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपका है BOS, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, BOS यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला जो है आपका, ये जो है बोस, ये जो है आपका ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, इसी चीज को कहते हैं, समझना। आपका मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, और अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक जहां से जिस पॉइंट से किया वो आपका है, मान लो इस पॉइंट से इसने ब्रेक किया, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बोस हो गया, ठीक है। अगेन समझना, अगेन यहाँ पर एक हायर हाई उसने बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया, इसके बाद यहाँ पर एक हायर लो बनाया, मार्केट ने फिर क्या किया, इस हायर लो को, हायर लो से मार्केट वापस ऊपर चला और जो प्रीवियस हायर हाई बनाया था उसको ब्रेक किया। तो क्या गाइस, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये बोस ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या ये मेरा पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेरा बोस बन रहा है क्या, यस या नो, यस, यहाँ पर मेरा अगेन बोस बन रहा है, यानी कि यहाँ पर मुझे अगेन ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हम इसमें समझते हैं कि जब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो सेटअप है ये हालांकि 100% काम नहीं करता है, लेकिन जब भी बनेगा और जब भी काम करेगा, इसमें स्मॉल टारगेट से हमें बड़े बड़े टारगेट, स्मॉल स्टॉप लॉस से हमें बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी 1:5 1:10 तक इसमें हम कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें एंट्री, जैसे कि जब भी बोस ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तो हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे, जैसे जो मैं समझ पाया हूँ इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब आपने देख लिया मार्केट को, बोस को आप समझ गए कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी हाई बनेगा, हाई के बाद एक लो बनेगा, उसके बाद अगेन हाई को ब्रेक करते हुए अगेन मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो हाई के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वही हॉरिजॉन्टल लाइन पर का ब्रेकआउट आया, मतलब वो हमारा बोस ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मान लो आपका यहाँ पर हायर हाई बना है ना, ये एक लो था, उसके बाद ये हाई बना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, बोस ऑफ बोस यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई थी, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर आपका हो गया बोस यानी कि बोस ऑफ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से एक बाय की पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक भी कर दिया, अब यहाँ से आप एक अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो प्रीवियस उसने लो बनाया है, यहाँ पर इसने एक हायर लो बनाया है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इससे थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे आप रख सकते हैं बफर स्टॉप लॉस, यानी कि लगभग यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप लॉस, अपना SL रख सकते हैं। और आपकी एंट्री कहाँ हुई, अगर इस प्रीवियस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, आपकी यहाँ पर इस लेवल पर आपकी एंट्री हो गई, क्या हो गई, आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, मार्केट ने समझना, अगेन मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पर एक बोस ऑफ कैरेक्टर, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, और ये अगेन हायर लो है, और वापस मार्केट क्या करता है, प्रीवियस हाई को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर हमारा बोस बन रहा है, तो यहाँ पर हमारी बाय में पोजीशन में एंट्री हो गई, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। अब हम ये तब तक अपनी पोजीशन में बैठे हैं जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अब चलिए ठीक है, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, अब भैया हम टारगेट क्या निकालें, टारगेट के लिए दूसरा वर्ड को हम एक्सप्लेन करूँगा, अब मैं अब दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझना, अब ये चीज़ समझना, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आप बोस को समझ गए, हाई को ब्रेक करेगा, जब भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा आपका वहां पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बोस बनता है, वहां पर आपकी बाय पोजीशन बनती है, स्टॉप लॉस उसी के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। लेकिन आप टारगेट क्या रखेंगे इसमें, टारगेट क्या रखेंगे आप इसमें, तो जहां भी चोज बनेगा वहीं आपका टारगेट होगा। अब चोज कैसे बनता है, देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलेगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलेगा, कभी तो मार्केट रिवर्स होगा। अब मार्केट क्या करता है आपका, मान लो यहाँ पर इसने एक लो बनाया, यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर अगेन इसने लोअर हाई बनाया, फिर इसने अगेन हायर हाई बनाया, फिर अगेन लोअर हाई बनाया,
फिर अगेन हायर हाई बनाया, फिर अगेन लोअर हाई बनाया, फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाया, फिर अगेन लोअर लो बनाया, सॉरी लोअर हाई बनाया, उसके बाद अगेन इसने एक हायर हाई बनाया। ठीक है, अब आपको कितना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई। मान लो पहले ही आपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पहले ही बोस पर आपने एंट्री कर ली यहाँ पर, है ना। अगेन यहाँ पर आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, आप बने रहे पोजीशन में, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर अगेन यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट क्या किया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर गया। अब मार्केट ने हायर हाई तो बनाया, उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर गया, है ना, ऊपर गया। लेकिन जो प्रीवियस हाई था, समझना, जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं करता है, है ना। मार्केट में देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो थोड़ी देर यहाँ से साइडवेज भी रह सकता है ना, ये भी चीज़ समझ लेना, ये पॉइंट आपको कोई नहीं समझाएगा। मार्केट क्या कर सकता है, कुछ देर इस रेंज में भी घूम सकता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया, एक ये रेंज हो गया, एक आपने एक ये क्या किया, आपने इस रेंज को ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पर एक लो बना के रखा है, यहाँ पर इसने एक लो बना रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके प्रीवियस लो को भी एक लेवल ड्रॉ करना है, एक इसके प्रीवियस लो का लेवल ड्रॉ करना है, और इसके एक अपसाइड में एक लोअर ड्रॉ करना है जिसने इसने प्रीवियस हाई। अब मार्केट अगर अपसाइड में अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो आपका अगेन क्या बनता चलेगा, बॉस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर अगर इसने ब्रेक किया, यानी कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। अभी भी आप अपनी बॉय पोजिशन में बने हुए हो। एग्जिट कब करेंगे, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जब मेरा कैरेक्टर चेंज होगा। कैसे होगा, मान लो इस रेंज में फंसा हुआ है, या फिर अगर आप समझते हैं, देखिए मैं इस रेंज का भी बता रहा हूँ क्योंकि कभी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, तो साइडवेज होने के बाद नीचे आता है ना, तो यहाँ पर जो प्रीवियस इसने लो बनाया था, प्रीवियस के प्रीवियस का इसने जो लो बनाया था उसको अगर इसने ब्रेक किया, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ सकता है, अब यहाँ पर हमारा बनता है चोच। अगर प्रीवियस लो देखना, मैं अगर इजीली समझाता हूँ आपको, मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हो ऊपर चल रहा है। अब मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर भी गया, मार्केट वापस क्या करता है, वापस फॉल कर देता है, और जो प्रीवियस लो था मार्केट में, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर देता है। तो ये जो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आया है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चोच, COH, यानी कि चोच। आप इसमें यहाँ समझना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर आपका एग्जिट बनता है, क्योंकि अब यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो रहा है, जिसने आप जहाँ पर आपने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पर बाई पोजीशन क्रिएट की थी, यहाँ पर आप अपनी चोच पर अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तब तक आप बने रह सकते हैं जब तक आपको चोच नहीं दिखता है। समझ गए, चोच कब दिखता है आपको, या तो मार्केट क्या करता है, हायर हाई बनाने के बाद थोड़ी देर रेंज में घूमता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो भी आपका वो चोच ही बनता है। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, आपका चोच ही बन रहा है, ठीक है। आप ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को समझ गए, आप चोच को समझ गए। चलिए चार्ट के माध्यम से भी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए, और अब चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, और कैसे हमें चार्ट पर देखता है। देखिए मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर है ना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर इसने क्या किया, एक लोअर हाई बनाया, है ना, हायर लो बनाया। अब मार्केट ने यहाँ से वापस अगेन ऊपर गया। अब ये जो प्रीवियस हाई इसने बना रखा था, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, यहाँ पर हमारा क्या बना, कमेंट में बताना जरा बॉस, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। वापस मार्केट ने क्या किया, अगेन एक हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक और हायर हाई बनाया, है ना, ये प्रीवियस हाई को फिर इसने ब्रेक किया। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन प्लॉट की, तो यहाँ पर फिर हमारा क्या बना, बॉस, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, अगर हम पहले ही ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री लेते हैं, मान लो तो हम यहाँ पर एंट्री लिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला लो हमारा SL रहेगा, ये वाला लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक और हायर हाई बना, हमें हायर हाई बनते हुए देखने को मिला। मार्केट फिर क्या किया, वापस नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, उसको उसने ब्रेक नहीं किया, और मार्केट यहाँ से क्या करता है, नीचे आ जाता है। तो हमारा क्या है, हमारा जो प्रीवियस लो था,
लोअर हायर लो था उसको हमने इसको मार्क किया, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने प्लॉट की, और अगर इसको ब्रेक कर रहा है, इसको यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आता है, चोच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ये वनडे का टाइम फ्रेम है इसलिए आपको ये बहुत छोटा दिख रहा है, अगर आप 15-20 मिनट पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या इंट्राडे में यूज़ करोगे तो आपको ये समझ में इजी आएगा, है ना। यहाँ पर आपका क्या बनता है, चोच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि प्रीवियस जो लो है वो आपका यहाँ पर ब्रेक होते दिख रहा है, मतलब जो हमारी एंट्री जो एंट्री हमारी हुई थी यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर एग्जिट करना है क्योंकि यहाँ से अब कैरेक्टर चेंज हो रहा है। ऐसा ही सेम, समझ रहे हो आप, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर पर हमारी एंट्री होती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर पर हमारा एग्जिट होता है। सेम चीज जैसे हायर हाई पर मैंने आपको समझाया, यहाँ पर मैं अगेन आपको बताता हूँ, हायर हाई पर अगर मैंने जो आपको समझाया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, हायर हाई पर मैंने आपको समझाया कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई पर अगर आपको डाउन ट्रेंड में इसको अप्लाई करना है, डाउन ट्रेंड में भी सेम प्रोसेस है। देखिए डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही इसको यूज़ किया जाता है, जरा समझना मार्केट क्या है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो कैसे चलता है, एक हमारे पास यहाँ पर एक हाई है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, फिर इसने क्या किया, लोअर हाई बनाया, ठीक है, मार्केट में लोअर हाई बना, फिर अगेन यहाँ पर लोअर लो बना, फिर यहाँ पर अगेन लोअर हाई बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी मार्केट का जो लो बनाए, है ना, जब भी मार्केट का जो लो बनाए अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, बोस बनता है, यानी कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। अब मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में चलेगा यह पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट जब भी रिवर्स हो या थोड़ा सा हाई बनाया, थोड़ा सा ऐसा आया वापस, मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर आपका बनता है चोच, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। मेरे ख्याल से आप ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को भी समझ गए होंगे, आप चोच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तो गाइस तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, एसएमसी हम सीख रहे हैं और एसएमसी का हमने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर सीख लिया है, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर सीख लिया है, अब हम सीखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड क्या होती है, देखिए दोस्तों अब देखना मार्केट में क्या होता है, मार्केट यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर प्राइस गिर रहा है और एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट प्राइस आता तो है इस लेवल पर, लेकिन यहाँ से अचानक प्राइस ऊपर जंप कर देता है, मतलब यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, जो बिग प्लेयर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है, उन्होंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास उन्होंने अपना ऑर्डर लगा रखा है। इसे हम कहते हैं ऑर्डर बुक, यहाँ पर उन्होंने लगा रखा है ऑर्डर। अब जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आया और यहाँ पर मार्केट आया और इस लेवल के आसपास से अचानक से हमें बाइंग देखने को मिली, अचानक से प्राइस आया और जंप कर दिया, ठीक है, अब वहाँ उस लेवल को हमें आइडेंटिफाई करना है, और उस पर हमें एक जोन बना लेना है ना, उसे हम कहते हैं डिमांड जोन। मतलब अगली बार, नेक्स्ट टाइम, मान लो अगली बार जब भी प्राइस ऊपर गया और अगली बार जब भी प्राइस इस डिमांड जोन के पास आएगा, तो अगेन जो बड़े लोग हैं वो अपना ऑर्डर लगाएंगे और मार्केट में अगेन यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब इसमें हम एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करेंगे, चलिए पहले हम यहाँ पर इसको एंट्री और एग्जिट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल चार्ट पर भी देता हूँ। एंट्री और एग्जिट आप कैसे प्लान करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पर चल रहा है, नीचे आ रहा है और इस लेवल के आसपास आपको दिखता है कि यहाँ पर ऑर्डर बुक है, यहाँ पर बड़े लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं और प्राइस यहाँ पर आकर अचानक से एक बाउंस बैक देता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगेन प्राइस क्या करता है, स्लोली नीचे आता है और इसके आसपास आकर अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पर पहले बड़े बिग प्लेयर यानी जो बड़े लोग थे उन्होंने यहाँ पर पहले बाई किया था, अगेन इस लेवल के आसपास आया तो हाई चांस है कि यहाँ से वो अगेन बाई करेंगे और प्राइस अगेन बाउंस बैक होगा, एक बूम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस लेवल के आसपास आया और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल, इस लेवल के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल परफॉर्म होती है, हम उस बुलिश कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पर एंट्री कर सकते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी डिमांड जोन के नीचे या थोड़ा सा 5-10 पॉइंट नीचे हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, जहाँ से बाजार गिरना स्टार्ट हुआ है
वही हमारा टारगेट रहेगा। ये आपका डिमांड जोन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट आप इसी को सप्लाई जोन में क्रिएट कर लेना, इसका उल्टा सप्लाई जोन होता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन मुझे लगता है कि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ तक देखते हुए आ गए, वैल्यू मिल रही है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और वो सीखना चाहता है, तो ये वीडियो शायद उसके काम आ सके। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो देखिए, मैंने क्या बताया आपको, मार्केट प्राइस गिर रहा है और एक ऐसे लेवल से जहाँ पर डिमांड खड़ी है, जहाँ पर ऑर्डर खड़े हैं, बड़े लोग खड़े हैं, उन्होंने वहाँ से बाई की और प्राउज सेम लेवल जहाँ बाजार ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ से एक ऑर्डर बुक खड़ी है, जहाँ से बहुत सारे सेलर खड़े हैं और उन्होंने सेल कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया सेल, वो इस लेवल पर आकर सेल करते हैं और अचानक से प्राइस नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सप्लाई जोन, मतलब अगेन प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, अगेन इस प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा तो वो बड़े लोग जो बड़े बिग प्लेयर है, जो बड़ी बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, वो अगेन यहाँ से सेल करेंगे। तो हम इसके लेवल के नीचे जो हमारा ये सप्लाई जोन रहेगा उसके नीचे अगर एक बेयरिश कैंडल परफॉर्म होती है, हम उसके लो के टूटने पर एक हमारी एक शॉर्ट पोजीशन यानी कि हम एक पुट में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो हमारे सप्लाई जोन के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। टारगेट हमारा वही रहेगा जहाँ से मार्केट उठा है, जहाँ से मार्केट उठा है, जहाँ तक गिरा था और जहाँ से उठकर आया है मार्केट, वहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। चलिए इसको भी हम एग्जांपल की तरह चार्ट पर समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मार्केट एक अपना जो प्राइ बाजार है वो गिर रहा था और अचानक से इस लेवल के आसपास आया, और प्राइस क्या हुआ, बूम हुआ, अपसाइड में एक मूव मिला वापिस, अब अगेन प्राइस यहाँ पर आया और अगेन बूम मिला। अब हमें क्या पता चला इससे कि अगर प्राइस गिर रहा है और अगर इस लेवल के आसपास आया और यहाँ से एक अचानक से एक बूम आया, ये वन डे का टाइम फ्रेम है इसलिए कैंडल थोड़ी छोटी है लेकिन बूम बहुत बड़ा है, मतलब ये जो रैली है ये बहुत बड़ी है, आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको छोटी दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि इस लेवल के आसपास एक डिमांड है, यहाँ पर अगर अगेन बाजार आएगा तो यहाँ से एक डिमांड अगेन आ सकती है और बाजार यहाँ से शूट कर सकता है, प्राइस यहाँ से अपसाइड में बूम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इस लेवल को, इस जोन को, मतलब जो भी लो बनाई हुई कैंडल है लास्ट वाली कैंडल को आपका हाई और लो दोनों मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं इसके हाई और लो को मार्क करते हुए एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब बाजार क्या, मार्केट प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आएगी मुझे यहाँ से क्या करना है, बाय करके चलना है। अब देखिए प्राइस क्या किया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से बूम हुआ, अगेन यहाँ पर आया, इस लेवल के आसपास आया और देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल परफॉर्म हुई। इसके हाई के टूटने पर मैंने बताया था, इसके हाई के टूटने पर आपने एंट्री ली और आपने इसी के नीचे के आसपास का आपने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से आप देख सकते हैं अगेन बड़ा बूम। आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, जहाँ से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, मतलब इजीली आप मान के चल सकते हैं कि 1:2, 1:3 आपको इजीली देखने को मिल ही रहे, है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही है, इसमें आपको 1:3, 1:5 मिलते, हर बार काम नहीं करेगा लेकिन जब भी काम करेगा टारगेट बड़े देखे जाएगा, ठीक है। आपको डिमांड जोन समझ में आ गया, इसका उल्टा वही है सप्लाई जोन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सप्लाई जोन मेरे ख्याल से अगर आप ज़्यादा दिन टाइम मार्केट के साइड टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसका उल्टा सप्लाई जोन है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं मतलब आप डिमांड सप्लाई जोन समझते हैं, ये भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा है। चलिए लास्ट वाला जो हमारे पास वो है, चलिए लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। चलिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू थ्योरी कल समझते हैं उसके बाद प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। आपको मजा आ रहा होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन सीखने में बड़ा मजा आ रहा होगा। संडे का दिन है, वीडियो अगर देख रहे हो बहुत दिन से साथ में जुड़े रहना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में वैल्यू मिली हो तभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप भी इंटरनेट ट्रेड करते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लाइव मार्केट की सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। और अगर आप भी बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आज ही हमारा ऐप है, आज ही उसको डाउनलोड करिए, लेस्टेड इंडिया के नाम से है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर जाइए और वहां से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं जिसमें आप बेसिक टू एडवांस और जिस 6 सेटअप जो जिस पर मैं काम करता हूं वो भी आप सीख सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप। देखिए फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, हम पहले चलिए गाइज
एसएमसी का जो लास्ट टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप एफवीजी को भी समझ लेते हैं। देखिए कोई सबसे पहले ये चीज़ समझना, आप लोग ये समझना, जैसे कि मार्केट में जब भी हमें एक बिग बार बड़ी कैंडल यानी ग्रीन कैंडल, जैसे ये कैंडल है ना, एक ये कैंडल है, जब भी ये कैंडल देखने को मिलती है तो क्या लगता है आपको, आपने और हमने मिलकर बनाई है? नहीं, ये स्मार्ट मनी बिग मनी जिसके पास अरबों करोड़ों खरबों, आप जितना बोल सकते हो इतना पैसा है ना, जितने काउंट नहीं, काउंटिंग नहीं हो सकती, उतना पैसा समझ लो आप करोड़ों रुपया लगा रखा है, और उसने यहाँ पर बाई किया होगा तभी तो अचानक से एक बिग बार कैंडल बाइंग आई है ना, अचानक से वहाँ पर बाइंग आई, एक बड़ी सी कैंडल बनी, मतलब एक बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी। यहाँ पर अगर बड़ी सी रेड कैंडल बनी यानी कि बड़े प्लेयर ने उसने सेल किया यानी कि उसने शॉर्ट में एंट्री मारी। अब चलिए, अब हम यहाँ पर इसके थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। दोस्तों जब भी ऐसी ग्रीन कैंडल आपको मार्केट में, बिग बार कैंडल, बड़ी कैंडल आपको देखने को मिले, तो आपको क्या करना, उसकी प्रीवियस पहली कैंडल, उसके एक पहली कैंडल का हाई मार्क करना है, उसकी पिछली कैंडल। तो मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ये रेड कैंडल देखने को मिल रही है, तो मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ। ये बात ध्यान रखना आपको, इसका प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब उसके बाद जब भी जो बिग बार कैंडल थी उसके बाद बनने वाली जो नेक्स्ट कैंडल है यानी कि जो सेकंड कैंडल है उसके बाद की जो बनने वाली कैंडल है, जैसे ये बिग बार कैंडल हो गई, उसके पहले की कैंडल का हाई मार्क कर लिया। अब बिग बार कैंडल के बाद की जो कैंडल है उसका लो मार्क करना है, तो मैंने यहाँ के क्या उसका एक ये यहाँ पर देख सकते हैं डोजी है, इसका लो मार्क कर लिया। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये जो रेड कैंडल है, मान लो ये रेड कैंडल यहाँ तक का हाई लगाई, अगर ये यहाँ तक का हाई लगा देती तो ये मेरा बिग बार सेटअप नहीं होता, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, यहाँ पर अचानक से बाइंग नहीं आई है। अगर इस रेड कैंडल के बाद अचानक से एक बिग बार कैंडल आई है, उसके बाद एक छोटी कैंडल, बिग बार कैंडल आई है और उसके बीच में कुछ गैप है, मतलब वो फेयर वैल्यू गैप है, कैसे है समझते हैं? देखिए आपको क्या करना है, जब भी बड़ी बिग बार कैंडल देखने को मिले उसके पहले की एक कैंडल का हाई मार्क कर लेना है और उसके बाद की एक कैंडल का लो मार्क कर लेना। अब बीच में जो आपको एक गैप दिख रही है इसे ही कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझ रहे होंगे, आपको बहुत आसान शब्दों में समझा रहा है आपका भाई, समझ रहे होंगे। अब फेयर वैल्यू गैप मतलब इस लेवल के आसपास उस बड़े प्लेयर के अभी भी ऑर्डर पड़े हैं, है ना, यहाँ पर अभी भी उसके ऑर्डर पड़े हैं, मतलब अगेन बाइक यहीं से वो इसी पॉइंट से करना चाहता है। मतलब हम क्या समझ सकते हैं, मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन जब भी इस लेवल के आसपास आएगा, जब भी इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आएगा, मार्केट में एक अचानक से बाइंग फिर आ सकती है, यही फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है। अब आप इसमें एंट्री कहाँ करेंगे, तो देखो आपने ये फेयर वैल्यू गैप तो ड्रॉ कर ली, आपने गैप निकाल ली। अब आपको जब भी इस गैप के ऊपर, मार्केट अचानक से नीचे आया और इस गैप के ऊपर जब भी आपको एक बुलिश कैंडल बनती हुई देखने को मिले, आप उस बुलिश कैंडल के हाई के टूटने पर एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस आपको इसी फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा नीचे का रख लेना है। टारगेट आप क्या रखोगे, जहाँ से मार्केट जहाँ तक गया और जहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया वही आपका टारगेट रहेगा। इसमें भी आपको 1:3, 1:5 आसानी मिलते हैं। तो ये था पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। फिर भी कुछ मुझसे छूटा है या फिर आप कुछ चीज़ आप समझ नहीं पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैं जो जो आपके टॉपिक रहेंगे उसको मैं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर मैं डेली लाइव मार्केट की सारी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।